हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेशम स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जीएस की स्पेशल सीरीज स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम आपको तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे। फर्स्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, सेकंड केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, थर्ड फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। देखो बच्चा, हम इस सीरीज में ना बेसिक से एडवांस की तैयारी करेंगे। इसके हमें बहुत से बेनिफिट है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं क्यों, तो देखो, एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप टॉपिक्स करोगे तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं। अब अगर आपको ये पता नहीं होगा ना कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ोगे, ठीक है। तो और एग्ज़ाम में जब हम बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ के बैठते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक पैटर्न लेके आए कि बेसिक से एडवांस के आपको पहले क्वेश्चंस की हम तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको जब हम टॉपिक्स करवाएं तो आपको पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ये जो क्वेश्चंस हम करवाते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, जो हमारी सीरीज कितनी 400+ सीरीज जो हमारी चल रही है। आपको पता है, जैसे हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ मोटिवेशनल होता है, चाहे कपलेट हो, चाहे क्वार्ट्स हो या थॉट हो। तो आज का थॉट क्या है हमारा, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। तो फिर रेडी हो जाइए अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए और लोगों को काम देने के लिए कि वो साजिश करने के लिए लग जाएं। हम अपनी काबिलियत कम नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, ऑप्शन बी डिम्ब कोशिका ओवम सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी ब्लड सेल यानी रक्त कोशिका। तो आंसर क्या होगा, कोई आइडिया। देखो, नर्व सेल जो होती है हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कट हो गया। देखो, इससे आपको दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। एक तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, दैट इज नर्व सेल, और स्मॉलेस्ट सेल का आंसर हमें अभी मिल जाएगा। देखो, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल भी हमारी स्मॉलेस्ट में नहीं आती, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं स्पर्म सेल और ओवम सेल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज स्पर्म सेल। अब देखो, अगर हम आपके लिए और अच्छा पैटर्न लेके आए हैं कि आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये क्या कहते हैं, देखो, स्पर्म सेल इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्पर्म्स आर गैमेट्स, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसिंग टेस्टिकुलर ऑर्गन ऑफ मेल ह्यूमन बींग। स्पर्म सेल्स के अंदर क्या होता है, देखो आपको, अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर शो करते हैं, देखो ये क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अगर देखो ये क्या है, स्पर्म है, ये जो एक क्या है स्पर्म है, इसमें थ्री पीस होते हैं। आगे का जो पीस होता है उसको बोलते हैं हेड पीस, ठीक है। लास्ट का जो पीस होता है उसको बोलते हैं टेल पीस, और बीच के पीस को बोलते हैं मिडल पीस, ठीक है। क्या होता है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है ना कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। किसकी प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस के डिवाइड, मियोसिस में क्या होता है, डिवाइडेशन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। तो द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म कंसिस्ट थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट, डिस्टिंक्ट हेड मिडल पीस एंड टेल। ओके, इज दैट क्लियर, क्या हो गया हमारा राइट आंसर इज स्पर्म सेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेंसिसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो मुझे पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसकी तो ऑप्शन सुनने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आई एम श्योर आप बिना ऑप्शंस देखे हुए आप आंसर देंगे। क्या है ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, एंड ऑप्शन सी इज प्रोटीन, एंड लास्ट ऑप्शन डी इज विटामिन ए। द राइट आंसर इज यस, राइट आंसर इज डी विटामिन ए। देखो, आपने सुना होगा ना रतौंधी रोग, अंधराता जिसको बोलते हैं,
क्या होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से आपको अंधराता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सबसे अगर बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है। किसके लिए हेल्पफुल है, हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, और हमारे इम्यून सिस्टम और गुड आईसाइट विजन यानी कि जो हमारा रोग प्रतिरोधकता क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, और हमारे आँखों की जो देखने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, दैट इज़ विटामिन ए। और हमारा राइट आंसर भी क्या है, विटामिन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द मेंटेन एंड पोस्चर बैलेंस ऑफ इक्विबेरियम, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है मुद्रा संतुलन एवं रख रखाव का संतुलन। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के जो जैसे हम किसी पोजीशन में खड़े हैं या हमारी बॉडी का जैसे हम किसी ने बोल दिया कि एक टांग पे आपको खड़ा रहना है, तो उस दौरान हमारी बॉडी का यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उस पोजीशन में हमें कंट्रोल करेगा, एक टांग पे खड़ा होने के लिए हमें संतुलन बनाएगा हमारी बॉडी का ताकि हम गिरे ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेन स्टेम मंथन, सेकेंड ऑप्शन इज डेनोसफेलन, थर्ड ऑप्शन इज सेरिब्रम एंड फोर्थ ऑप्शन सेरिबेलम। देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इज डी सेरिब्रम। देखो ये कहाँ होता है, सेरिब्रम की अगर बात करते हैं हम तो सेरिब्रम इज द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे एक सेरिबेलम नाम का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, हमारी लॉट्स ऑफ स्मॉलर देन द सेरिब्रम, ये क्या होता है, इससे बहुत ही छोटा होता है, इसके नीचे पाया जाता है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट वॉन्ट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है हमारे पोस्चर बैलेंस और इक्विबेरियम को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज इन सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय हाउ मैनी सेल्स। एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य जैसे पाचन श्वसन प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ को ना जैसे बोलते हैं ना कि हमने सुना भी होगा कि प्रॉब्लम जहाँ होती है ना उसका सॉल्यूशन वहीं होता है। ठीक है, जो आपको जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है ना उसका आंसर भी कभी कभी उस क्वेश्चन में ही होता है। ध्यान से अगर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मन की आंखों से अगर हम देखते हैं ना, तो उसका आंसर हमें उसी क्वेश्चन में मिल जाता है। अगर अभी इस क्वेश्चन को देखा जाए एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ा जाए कि इन यूनिसेलुलर, याद रखना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय हाउ मैनी सेल्स। एक कोशिकीय जीव में ये सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं, भाई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब जीव ही एक कोशिकीय है तो क्या होगा, सभी काम किसके द्वारा होंगे, सिर्फ एक ही कोशिका के द्वारा। तो हमें और ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया कि क्या है जीव, एक कोशिका। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए दैट इज वन। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो वो एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, उनका सारा काम क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ वन सेल के थ्रू परफॉर्म होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो अभी आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ये देखो इस टाइप के हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सभी फंक्शन सिर्फ, ये पूरी एक सेल है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म होने की वजह साथ साथ एक सेल है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत इजी लेवल में है क्वेश्चंस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको आंसर यही मिल जाएंगे। ठीक है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, फेबुला, सेकेंड इज टीबिया, थर्ड इज टेप्सस, फोर्थ इज फ्यूमर, कौन सी होती है भाई, देखा है कभी कौन सी होती है। राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन ए फ्यूमर। फ्यूमर इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, क्या होता है हमारी हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी है,
फ्यूमर है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो क्या होगा आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि फेमर। और अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है तो ये भी हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट की, एक इसके साथ आपका एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट की अगर बात करते हैं, अगर हम स्मॉलेस्ट पर जाते हैं तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, टीबिया। याद रखना लार्जेस्ट कौन सी है, फेमर, और स्मॉलेस्ट टीबिया। देखो द फ्यूमर इज क्लासिफाइड स्ट्रक्चर एज लार्ज वन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ऑल बॉडी वेट सपोर्टेड बाय द फ्यूमर ड्यूरिंग मैनी एक्टिविटीज। जैसे ये हमारी हड्डी होती है, हमारी पैरों में होती है ये हड्डी, इसमें क्या होता है थाइज में। ठीक है, इसमें क्या, जब हम रनिंग करते हैं, जंप करते हैं, वॉक करते हैं, स्टैंड खड़े होते हैं, तब क्या होता है हमारे पूरी बॉडी का वेट जो होता है जो फ्यूमर के ऊपर आ जाते थे, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, उस वजन को या फिर हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड ऑमनिथोलॉजी, थर्ड जियोलॉजी, फोर्थ एंटोमोलॉजी। वॉच, देखो जियोलॉजी तो आपने पढ़ी भी होगी, और तो चलो थोड़े से डिफ़िकल्ट नाम है अगर हम बात करते हैं तो, जियोलॉजी तो आपने पढ़ी होगी। क्या होता है, भूविज्ञान, हमारे आसपास का जो एरिया होता है उसके बारे में स्टडी करना क्या होता है, जियोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होगा वो, जियोलॉजी। और अगर हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस, ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज डी। देखो अगर हम बात करते हैं ऑर्थोपोलॉजी की, ऑर्थोपोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, जो ऑर्थोपोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। जो हम मानव के बारे में, उसके बिहेव के बारे में जो स्टडी करते हैं तो वो किस में आएगी, ऑर्थोपोलॉजी में आएगी। ठीक है, ऑर्थिनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, जियोलॉजी मैंने बताया था स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि जो हमारे आसपास की एरिया है, मतलब मिट्टी है, सॉलिड जो भी है उसके बारे में, रॉक्स के बारे में, इन सब के बारे में अगर हम कोई स्टडी करते हैं दैट इज़ जियोलॉजी। अब बचा हमारे एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब ये ऐसे याद ना रहे ना तो याद रख लेना, देखो आंट क्या होती है, इंसेक्ट होती है, और आंट की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, एंटीमोलॉजी। तो याद रख लेना इंसेक्ट की स्टडी क्या हो गई, एंटीमोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आई होप सो बहुत आपको एंजॉय कर रही होंगे, बहुत अच्छे से आपको, बहुत इजी क्वेश्चंस है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्लांट सेल मेनली कंपोज्ड ऑफ। अरे भाई इतना इजी आंसर है, देखते ही बता दोगे, मुझे पता है। मुख्य रूप से पौधे की जो बाहर की जो छाल होती है ना, वो है दीवार, किसकी रचना होती है, क्या होती है, उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, ऑप्शन ए, बी विटामिन्स होते हैं, ऑप्शन सी सेलुलोज होता है, ऑप्शन डी प्रोटीन होता है। तो क्या होगा राइट आंसर, व्हाट इज़ द राइट आंसर, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, राइट आंसर इज सी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर इज सी, वो बनी होगी हमारी सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कंसिडर कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसके अंदर, जो क्या काम करता है उसकी प्रोटेक्शन में और उसके स्ट्रक्चर में उसकी हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो ब्लैंक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गन। वह शाखा जो बायोलॉजी की, वह शाखा जो कि संरचना के अध्ययन में जीव और उनके अंग के बारे में हमें बताती है, किससे संबंधित है, इकोलॉजी, एनाटॉमी, क्रोनोबायोलॉजी या माइकोलॉजी। तो देखो अब जो साइंस के बच्चे हैं उनको तो पता है भाई, पता है ना क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अगर इकोलॉजी की बात करते हैं, देखो यहाँ से हम
तीन या चार के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इकोलॉजी की बात करते, इकोलॉजी क्या होती है? अगर इकोलॉजी को, इको से मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास की जो स्टडी होती है वो क्या हो गई, इकोलॉजी हो गई, ठीक है। एनाटॉमी भी बताएंगे, और माइक्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम उनकी स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोलॉजी। अब देखो, दो तो हमने डायरेक्ट वो कर लिए, ठीक है, अब बचे हमारे पास एनाटॉमी और क्रोनोबायोलॉजी। अगर इस पे से हम, तो आंसर होगा हमारा आंसर बी, ठीक है। तो जो हमारी जो एनाटॉमी है वो क्या होती है, किसमें स्टडी करती हैं, ऑर्गेनिज्म और उसके ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। इकोलॉजी का मैंने आपको बताया, जो इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट के आसपास जो हमारी स्टडी होती है। माइकोलॉजी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, इनके बारे में। और क्रोनोबायोलॉजी, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, किसमें हेल्प करती है, कंसर्न करती है फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, जो साइकिल्स हमारे अंदर होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, ये तो मुझे पता, आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। बचपन में दांत तो टूटे ना सबके, गिने थे कितने टूटे हैं या नहीं पता, जिन्होंने नहीं पता उनको सोच रहे होंगे शायद हमें गिन लेने चाहिए थे, है ना, वरना एक सेकंड में आंसर बता देते। देखो, 32 के 32 तो गिरेंगे ही नहीं, ये तो आपको पता है, 32 के 32 तो गिरते नहीं है। चलो एक बार अपने दांत गिन लो, कौन कौन से गिरे थे, क्या पता उससे आपको आइडिया हो जाए। तो चलो देखो, आंसर होगा हमारा, आंसर होगा राइट आंसर बी। जो 20 मिल्क टीथ होते हैं ना चाइल्ड के अंदर, वो रिप्लेस हो जाते हैं जब, कब, जब वो अडल्ट में आता है, 20 परमानेंट टीथ उसके रिप्लेस कर देते हैं उसको। रेस्ट 12 कैन नेवर रिप्लेस इफ ब्रोकन, अगर, अब सुनो भाई, ये 20 दांत जो बच्चों में जो होते हैं ना, दूध या दांत जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अगर वो टूट गई उसके बाद क्या होगा, परमानेंट आएंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी दांत टूटते हैं तो चाइल्ड के, उसके बाद अगर आपके दांत टूट गए दोबारा नहीं आएंगे, और बाकी 12 वो तो इतने ढेठ हैं कि वो तो बोल, वो तो कसम खा चुके हैं, हमें चाहे एक बार तोड़ो या दो बार तोड़ो, हम तो वापस आएंगे नहीं, मार खा के आने का हमें कोई शौक नहीं है, इसलिए क्या है, वो उन्होंने कह दिया हम नहीं आ रहे। तो ये जो 12 है ये तो कह रहे हैं कि हम तो कभी नहीं आएंगे, और ये बेचारे छोटे छोटे बच्चों की तरह बोले कि कोई नहीं, जब हम छोटे हैं तब तोड़ दो, बड़े होने के बाद हम और मजबूत होके आएंगे, और फिर हम किसी से नहीं लेंगे, ठीक है ना। चल मजाक बहुत, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडी एट, क्रोमोसोम्स की आकृति के विज्ञान हो सकता है, अगर हमें इसने पूछा है कि अगर हमें क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है, पता है ना क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा सबने, देखो ऐसा होता है ना, अगर इस क्रोमोसोम के इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कौन सी स्टेज बेस्ट होगी, इंटरफेज, सेकंड इज प्रोफेज, थर्ड इज मेटाफेज, फोर्थ इज जाइगोटीन, कौन सी होगी। अगर किसी को याद है तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में तो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, तो इसमें क्या हम बता सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम हैं, किस शेप में है, कोई आइडिया नहीं ना। और प्रोफेज में ये थोड़ा थोड़ा अलग होना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज सी, मेटाफेज। क्या होता है इस स्टेज के अंदर, राइट आंसर हमारा सी है, क्या होता है स्टेज के अंदर कि माइटोटिक डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, और क्रोमोसोम क्या करते हैं, कंडेंस्ड होना स्टार्ट करते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, कौन से हिस्से, एनाफेज के अंदर, और एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक इक्विटोरियल लाइन पे आ जाती है। जैसे अभी आपको मैं एक पिक्चर से समझाती हूँ, देखो ये देखो, इसमें जो ये हैं, ये क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स हैं,
देखो ये वाले जो क्या है क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या हो गए मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या हुआ, ये इक्विटोरियल लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो अब इनकी स्टडी करना पॉसिबल है कि हमें पता है कितने क्रोमोसोम है, क्या इनका स्ट्रक्चर है। सेकंड, इनके अंदर अब क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। फिर क्या हो गए, टू डॉटर सेल्स के अंदर क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। भाई इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पता है ना कि मानव का संबंध पारिस्थितिक तंत्र के किस श्रेणी में आता है, कौन सी में आएगा, ओमनिवोर, सर्वाहारी, कार्निवोर, मांसाहारी, हर्बिवोर, शाकाहारी और जो प्लैंकेटोन। तो देखो, एक तो देखो सबसे पहली बात, अगर हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमें क्या होता है एलिमिनेशन करना आना चाहिए क्वेश्चंस का। अगर हम यहाँ पे जू प्लैंकेटोन की बात करते हैं तो जू प्लैंकेटोन क्या होते हैं, जो पानी के अंदर बहुत नीचे गहराई में होते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे भी हमें अलग लग रहा है। अब बात आती है अब इनकी हारी हारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। तो देखो सर्वाहारी जो क्या होता है, मीट और वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। अगर हम कार्निवोर मांसाहारी की बात करें तो ईट ओनली मीट, ठीक है, अगर हम शाकाहारी की बात करें तो ईट ओनली वेजिटेबल। तो देखो अब यहाँ से पता चलेगा, क्या ह्यूमन बीइंग अकेली वेजिटेबल खाता है, नहीं, क्या अकेले मीट से काम चलाता है, नहीं, क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज ओमनिवोर। क्या कहते हैं कि देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल मिथ अबाउट वेजिटेरियन हैव नो साइंटिफिक बेस इन दिस फैक्ट, ऑन दीज मिथ आर मैन एंड ह्यूमन नेचुरली वेजिटेरियन। अगर हम बात करें देखो, जैसे कि पहले होते थे ना आदि मानव, वो क्या करते थे, वो सिर्फ कच्ची सब्जियां खाते थे, उस टाइम पे वो क्या थे, उस टाइम पे वो हर्बीवोर थे, शाकाहारी थे। बोलते हैं ना कि इंसान शाकाहारी तो तब थे, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अब क्या करते हैं, ओमनिवोर है, वो ईट क्या करते हैं, मीट खाने के लिए भी कैपेबल है और प्लांट फूड खाने के लिए भी कैपेबल है, अब उसकी बॉडी दोनों फूड अलाउ करती है, तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज ओमनिवोर। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये मुझे पता है आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टर्म किसने दी थी, किसने टेस्ट की डिस्कवरी की थी, किसने डेवलप किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम आपको यह राइट आंसर ही नहीं साथ के साथ और ऑप्शंस के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, जो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में क्वेश्चंस बन के आपके सामने आएंगे ही आएंगे। जैसे कल हमने इसी क्वेश्चंस के ऊपर बात की थी, इस ऑप्शन के ऊपर बात की थी, सो जो आज ये क्वेश्चन है कल ये किसी में ऑप्शन था, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ से आज ये क्वेश्चन आ गया ना, इसीलिए किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए, उसको कंप्लीट देखिए, ये नहीं कि स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चंस देखे और आपने छोड़ दिया लास्ट के, देखिए आपने छोड़ दिया, नहीं, कंप्लीट देखिए, क्या पता आपको क्या पता चल जाए, शायद ऐसा जो आपको ना पता हो या कुछ ऐसा जो आपको पता हो और उससे ज़्यादा आपको पता चल जाए, तो ठीक है। तो देखो द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज गिवन बाय, किसने दी थी टर्म, फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, बी एलेक जेफरी, सी रिचर्ड एटमन, जी कॉल बेंडा, व्हाट इज़ द राइट आंसर। देखो रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस, ठीक है, एलेक जेफरी, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एलेक जेफरी ने किसकी डिस्कवरी की थी, हमारी फिंगरप्रिंटिंग की, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एलेक जेफरी, ठीक है। तो देखो
अलेक्स जेफरी ने 1984 में क्या डिस्कवर किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया था। एक मोलिकुलर जेनेटिक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी इंसान के बाल से, ब्लड से, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूड या सैंपल से हम उसके फिंगरप्रिंटिंग का, उसके जीन्स का, सबका पता कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़फुल किस में है? फिंगरप्रिंटिंग से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथों की उंगलियों से पता चल जाएगा, नहीं, हमारी बॉडी के चाहे हेयर हो, ब्लड हो, या फिर हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, सीएडी देखते हो ना, होता है, नहीं होता, उनको बाल मिलता है वो भी उठा लेते हैं, कोई ग्लास या किसी के ऊपर फिंगरप्रिंट मिलते तो वो उसको भी उठा लेते हैं। तो अगर हम नाम पे जाएंगे फिंगरप्रिंटिंग, तो फिंगरप्रिंट से क्या लगता है? फिंगर्स का नहीं, ये किसका है? हेयर से भी हम पता कर सकते हैं, ब्लड से भी, और कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूड हो उससे भी, ठीक है। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़फुल है कहाँ पे? क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और भी बन जाता है, कल को क्वेश्चन आता है कि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है? अगर वहाँ पे ऑप्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो क्या करोगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। रिजॉल्व मैटरनरी डिस्प्यूट फॉरेंसिक वाइल्ड लाइफ ATC। डीएनए क्या? बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जेनेटिक है, यानी कि गुणसूत्र है, वो किस में स्टोर होते हैं? हमारे डीएनए के अंदर, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। विदाउट डीएनए हम क्या? अगर डीएनए ना हो, अगर सोचा जाए कि डीएनए ना हो तो क्या होगा? हमारी जो जनरेशन है, यानी कि हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये नहीं होता कि दादा के गुण पोता में आते हैं, फिर जनरेशन टू जनरेशन जाते, तो वो ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमारे गुण ही जनरेट नहीं कर रहे। तो उससे क्या होगा? डीएनए क्या हमारी लाइफ ऑफ बिल्डिंग का क्या ब्लॉक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसको निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी, जैसे एक दीवार होती है, अगर उससे कुछ ईंट को निकाल लिया जाए तो क्या होता है? पूरी गिर जाती है ना। अगर मेन ईंट को, एक किसी दीवार है, ठीक है, उसके अगर हम मेन ईंट को गिरा देंगे तो क्या होगा? पूरी दीवार गिर जाएगी। वैसे ही क्या हमारी लाइफ की डीएनए बहुत ही बेसिक यूनिट, अगर उसको हम शरीर से निकाल देंगे तो हमारे अंदर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या करती है? हमारे जो हेल्प करती है कैरेक्टरिस्टिक, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। अब देखो, निम्नलिखित में से भी जानते हैं कोशिकाओं को आत्मघाती बैग के रूप में, कौन सी कोशिका है जिसको हम सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती सेल यानी बैग बोलते हैं? लाइसोसोम, ऑप्शन बी लाइकोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। देखो क्या होता है, जो भी ये सेल है सुसाइडल बैग, इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है? सबसे मेन काम होता है इसका डाइजेशन का, नाम अभी आपको पता चलेगा, क्या काम होता है इसका? डाइजेशन का काम होता है। ये हमारी सेल्स के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये ज़्यादा डाइजेस्ट, इसके अंदर डाइजेशन ना होने की वजह से इसकी वॉल रैप्चर हो जाती है और उसी की वजह से ये डेथ हो जाती है। मतलब ये अपने काम की वजह से क्या हो गई, इसकी डेथ हो जाती है। तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ लाइसोसोम, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा लाइसोसोम, ऑप्शन ए, ठीक है। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? डाइजेस्टिव ऑफ एंजाइम करती है, वेस्ट मटेरियल को करती है, फॉरन मेटल जो और भी कहीं से सेल्स है, पॉलीसेक्राइड, सबको ये डाइजेस्ट करती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ अपने ही एंजाइम को डाइजेस्ट ना करने की वजह से इसमें क्या होता है? ऑटोलाइसिस हो जाता है, और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप बहुत मज़े आ रहे हैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है? लाइसोसोम है, ठीक है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसके प्रोटीन एंजाइम्स है जो इसमें दिख रहे हैं, जो इसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि खुद को एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और क्या हो जाती है? ये वॉल जो होती है रैप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, कौन सा है भाई? निम्नलिखित में से किसके रूप में भी प्रयोग, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है यूरिया, ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी यूरिक एसिड,
ऑप्शन डी नाइट्रेट्स। क्या होगा देखो, अगर यूरिया की बात करते हैं हम, बायो फर्टिलाइजिंग जैव उर्वरक, तो यूरिया तो जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या है, क्या हो जाएगा, यूरिया कट हो जाएगा, एलिमिनेट कर देते हैं हम। अब बात करते हैं थर्ड, यूरिक एसिड की, ठीक है। अगर यूरिक एसिड की हम बात करते हैं तो यह यूरिया से ही क्या बनता है, बाद में यूरिक एसिड बनता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सॉरी बी और डी, तो क्या होगा देखो, नाइट्रेट्स। अब देखो, सुना है कभी कि इन्वायरमेंट में नाइट्रेट है? नहीं ना, इन्वायरमेंट में क्या है, N2 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की फॉर्म है नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं वो एज ए बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनी के अंदर मिलते हैं, फ्री लिविंग। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि जो N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करते हैं उसका नाम क्या है, एक तो एक्जोबैक्टर है, एक राइजोबियम है, याद रखना, एक राइजोबियम और एक एक्जोबैक्टर है। तो क्या होता है, राइजोस्फियर होता है जो उसकी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये मेनली इंक्रीज करता है एबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट टू द होस्ट प्लांट। जो प्लांट है ना, सपोज करो देखो, ये कोई प्लांट है, यहाँ पे सोयल है, ठीक है, यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे इन्वायरमेंट से या सोयल से और इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सेट कर देंगे, मतलब उसको कन्वर्ट कर देंगे कि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन तो प्लांट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, नाइट्राइल्स में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है। क्या फिर क्या होता है, प्लांट इसको सोयल से एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हेल्प करते हैं उसको उसकी ग्रोथ में। क्या होता है फिर ये, देन रिड्यूस द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं, ये N2 को चेंज कर देते हैं, ये N2 को चेंज कर देते हैं NH3 दैट इज अमोनिया में, ठीक है, ये अमोनिया में चेंज कर देंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमने बता दिया क्या है, हमारा जो एक्जोबैक्टर है और राइजोबियम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रॉन्स बिलोंग टू विच फैमिली, झींगा जिसको सुना होगा ना, झींगा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो देखो क्रस्टियस, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी एम्फीबियंस, ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। देखो यहाँ से देखो तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी, मैंने कहा था कि आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखते हो ना तो उसका आंसर उसी में होता है। देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, फिश कोई फैमिली का नाम नहीं है ना, फिश क्या खुद ऑर्गेनिज्म है, तो ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स भी क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना कि फैमिली है, तो ये भी कट हो गया। अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं तो ये भी ग्रुप ऑफ क्या ऑर्गेनिजम्स है, तो ये भी कट हो गया। ये है ग्रुप ऑफ क्लास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखो ए इज हमारा राइट आंसर। अगर हम प्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो ऐसा होता है झींगा देखने में, ठीक है। प्रॉन्स बिलोंग टू क्रस्टेशियन फैमिली, प्रॉन्स स्मॉल एक्वेटिक क्रिएचर जो पानी में मिलता है और इसको बहुत सी कंट्रियों में सी फूड से के तौर पे खाया जाता है, ठीक है। एडेबल होता है, जहाँ पे सी सोर्स ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पे इसको ये एडेबल होता है, यहाँ एक डिश के रूप में इसको खाया जाता है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्टेशियस फैमिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जेंटिका इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अर्जेंटिका इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी सिल्वर ऑक, ऑप्शन डी तुलसी। तो किसका साइंटिफिक नेम है अर्जेंटिका इंडिका, तो देखो एक तो देखना, कभी भी किसी चीज़ का नाम लिखा जाता है ना तो वो हमेशा या तो इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, उसका फर्स्ट नाम जो फर्स्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा और सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। अब देखो वर्ड इंडिका, यहाँ से देखो इंडिया का सबसे औषधि वाला कौन सा है,
औषधि की अगर बात करते हैं तो नीम और तुलसी सबसे ज़्यादा इंडिया में यही यूज़ होते हैं ना। सबसे ज़्यादा गुणकारी क्या है? नीम है। तो अर्जेंटिका इंडिका किसका नाम है? इंडिया का है सबसे मेडिसिनल प्लांट का, दैट इज़ नीम। ठीक है, क्या है अर्जेंटिका इंडिया किसका नाम है? नीम का। इट इज़ ऑल्सो ट्रॉफिकल सब ट्रॉफिकल एरिया में मिलता है और इंडियन का नेटिव सब कॉन्टिनेंट का नेटिव प्लांट है। नीम की क्या है क्वालिटी? क्या है? ड्राउट रेजिस्टेंस है, मतलब सूखा भी पड़ जाए तो ये ड्रॉप कर जाता है, सूखता नहीं है। आयुर्वेदिक हर्ब्स प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा ही डिजीज को जो रिमेडी होती है ना इलाज में ही हेल्प करता है। नीम यूज टू वीड एयरफेड पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट को भगाने के लिए भी करते हैं ना, पेस्ट को भगाने के लिए भी नीम का यूज़ किया जाता है। गाँव के एरिया में देखोगे तो आप क्या करते हैं, जैसे गेहूं वेहूँ डालते हैं ना बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे नीम के पत्ते डाल देते हैं क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। या फिर कहीं बहुत ज़्यादा मच्छर है तो वहाँ पे क्या करते हैं, नीम के पत्तों को जला देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके धुएँ से जो स्मेल होती है वो क्या करती है, वहाँ पर जो मच्छर्स हैं मॉस्किटोज हैं उनको भगा देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कौन सा, अब जो एग्रीकल्चर में हो उन बच्चों को पता है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। क्या होती है वर्मी कंपोस्टिंग? जो केचुए की खाद जिसने सुनी है ना, केचुए की खाद सुना होगा, वर्मी कंपोस्टिंग उसी को बोलते हैं। तो देखो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा केचुए वर्मी कंपोस्ट केचुए खाद बोलते हैं। देखो फंगस उसमें नहीं होगी, ऑप्शन कट, बैक्टीरिया से नहीं और बर्ड से भी बिल्कुल नहीं, तो क्या हमारे ऑप्शन बचता है? बी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। वर्मी कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ वेरियस स्पेसिस ऑफ वॉर्म लाइक रेड वॉर्म वाइट वॉर्म अर्थ वॉर्म टू क्रिएट ए हिट्रोजेनिक ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ डिकम्पोजिंग वेजिटेबल ऑफ फूड वेस्ट एंड ब्रीडिंग मटेरियल्स। क्या करता है ये कि ऑर्गेनिक जो हिट्रोजेनस मटेरियल है उनको क्या करता है, डिकम्पोज करने की हेल्प करता है, और जो एक्सट्रैक्ट होता है वॉर्म्स का वो क्या करता है, सोइल को फर्टिलाइज बनाता है और नाइट्रेट और वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स की उसमें प्रेजेंस होती है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, देखो देखो ऐसे होते हैं, ये रेड वॉर्म्स हैं, ये जो हैं ये रेड वॉर्म्स हैं, ठीक है, लाल केचुए, ठीक है, इनसे इनकी खाद बनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैकिया पपाया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, करिका पपाया किसका साइंटिफिक नेम है? देखने की जरूरत ही नहीं है, मन की आंखें खोलो, सामने है आंसर। क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन में ही बता दिया भाई, करिका पपाया। तो राइट आंसर हमें देख, बाकी ऑप्शन देखते ही नहीं हम, राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, पपाया। ठीक है, करिका पपाया पपाया का ही नाम है। ठीक है, इट इज अराउंड 20 एक्सेप्ट स्पीसीज की, 22 स्पीसीज हैं पपीते की, हमने तो एक ही देखी है भाई, बाकी किस कहाँ हैं, चलो ढूंढते हैं उनको भी। बिलीव हैव टू ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका। इसका क्या है कि सबसे ओरिजिन कहाँ हुआ था, सबसे पहले पपीते का अगर ग्रो किया गया था वो अमेरिका में ग्रो किया गया था, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन्स हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ, महिलाओं की आवाज़ थोड़ी सी वो होती है ना श्रिल कम कपी सी, तो क्यों होती है? ऑप्शन ए, लो फ्रिक्वेंसी की वजह से, कम आवृत्ति की वजह से। ऑप्शन बी, हाई फ्रिक्वेंसी उच्च आवृत्ति की वजह से। ऑप्शन सी, श्रिल वोकल्स, ठीक है, श्रिल स्वर की वजह से, या स्ट्रॉन्ग एपिग्लॉटिस की वजह से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से। जो वुमेंस की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है, और जो श्रिल साउंड की डिपेंड करती है उसकी फ्रिक्वेंसी और उसके पिच के ऊपर, तो इस वजह से जो आवाज़ होती है लेडीज़ की वो ज़्यादा श्रिल होती है जी कंपेयर टू मेन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एल्पिडिया नाजा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, एल्पिडिया नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? इनमें सबसे खतरनाक क्या है? देखो नाजा नाजा सांप का नाम सुना है आप लोगों ने, नाजा नाजा एक स्नेप का नाम होता है, तो एल्पिडिया नाजा भी एक उसी की स्पीसीज है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज कोबरा। ठीक है, और अगर ईगल का साइंटिफिक नाम बात करें तो हम क्या, एक्विलिया। एलिफेंट की बात करते हैं तो हम एलिफिस मैक्सिमस, और ओवल की बात करते हैं हम तो स्ट्रेगलोफॉर्मस। देखो यहाँ से आपको चार
साइंटिफिक नेम याद हो रहे हैं, कोबरा का क्या है, एल्पीडिया नाजा, ईगल का एक्विलिया, एलिफेंट का एलिफेंटिस मैक्सिमस और ओविल का स्ट्रेगलियोफॉर्मस। याद रखना नेक्स्ट वीडियो में क्या पता इन्हीं में से किसी का पूछ लिया जाए। देखो देखा है ना सबसे खतरनाक सांप फन वाला जो नागिन में दिखाते हैं, देखा होगा, सेम देखा है ना नागिन सीरियल उसी वाला। एकता कपूर का सांप है भाई, छेड़ना मत इसको। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग, कौन सा मानव तंत्र का सबसे बड़ा अंग है, देखने की जरूरत ही नहीं है। स्मॉल तो खुद देखो, स्किन, सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। देखो जो बड़ा है उसको बताने की जरूरत नहीं, तो लार्ज इंटेस्टाइन हम नहीं मानते, जो खुद ये बता रहा है कि मैं बड़ा हूँ तो हम उसको नहीं मानते कि तू बड़ा है। अब उसने ठीक है, और जिसने कहा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जिसको पता है कि तुम खुद छोटे हो तो उसको हम कहाँ से बड़ा मान ले भाई, तो हम भी नहीं मानते। ठीक है, अगर बात करते लीवर की, यहाँ पे गलत लिखा हुआ लीवर आएगा बेटा, ठीक है, लीवर की, तो लीवर क्या है, नहीं है लीवर, कहाँ भी इतू सा लीवर है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, स्किन जो हमारी पूरी बॉडी पर होती है, ठीक है, तो वो क्या है, राइट आंसर है, दैट इज स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गेन है ह्यूमन बींग का, जो आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है ह्यूमन को। क्या क्या स्पेशल फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, एपिडर्मल्स जो टिश्यू होते हैं वो गार्ड करते हैं हमारे मसल्स बोन्स को। कितनी लेयर होती है एक्टोडर्मल टिश्यू की, 7 लेयर्स का बना होता है, ठीक है। मसल्स बोन लिगामेंट और इंटरनल ऑर्गन्स को शॉक से और पैथोजन से प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट इज़ द कॉमनली नोन एज वाइट प्लेग, आमतौर सफ़ेद प्लेग के रूप में क्या, कौन से रोग को जानते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबर, राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी को देखो, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन डिजीज होती है जो कार्ज होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ठीक है। इसको वाइट प्लेग भी नाम से जानते हैं। Which of the following is not a vertebrate? इनमें से कौन सा कशेरुक नहीं है? देखो vertebrate क्या होते हैं, जिनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं vertebrate। फिश के अंदर देखा हुआ ना होती है, स्पैरो के अंदर होती है, नन ऑफ दीज का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन क्या हो गए हमारे, कट हो गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फियोक्सिस, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा, एम्फियोक्सिस, जिसके अंदर बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स, फिश, बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो एम्फियोक्सिस ऐसा वर्टिब्रेट नहीं है, बाकी ये दोनों तो क्या वर्टिब्रेट है, एम्फियोक्सिस वर्टिब्रेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती, ठीक है। स्मॉल मैराइन एनिमल, अगर हम स्ट्रक्चर देखो, इसकी पिक्चर भी मैं आपको शो करती हूँ, ये देखो ऐसा होता है एम्फियोक्सिस, ये क्या है, एम्फियोक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिब्रेट से बिलोंग नहीं करता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड और वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, देखो वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, फर्स्ट इज फ्लोएम, सेकंड इज पेरेन्काइमा, थर्ड इज जाइलम, फोर्थ इज स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा टिश्यू होता है जो फूड प्रोवाइड करता है, पेरेन्काइमा नहीं, ये तो सिंपल टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा ये भी सिंपल टिश्यू, और ये तो डेड टिश्यू है हमारा इवन, तो जो डेड है वो कैसे फूड प्रोवाइड करवाएगा, तो ये नहीं है और ये भी नहीं है। बचा फ्लोएम और पेरेन्काइमा, तो देखो इन दोनों का, जाइलम जो है वो क्या, सॉरी फ्लोएम और जाइलम, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स का, ठीक है, ये क्या काम करता है, जाइलम का काम है। तो फ्लोएम क्या काम करता है, फूड प्रोवाइड करता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटरी ऑर्गन इन स्टारफिश इज, स्टारफिश के अंदर जो लोकोमोटरी का मतलब है कि जो चलने में सहायता करते हैं ना, वो ऑर्गन कौन सा है। फर्स्ट पैडल चप्पू, चप्पू तो नाव में होता है, मसल्स फुट मांसपेशियों का पैर हो सकता है, फ्लिपर्स
ट्यूब फिट, तो फर्स्ट तो देखो पेडल तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन थ्री, तो जो स्टार फिश होती है उसकी जो बाहर से जो आर्म्स निकली होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्यूब फिट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी, लोकोमोटिव ऑर्गन गैस ट्यूब फिट है, जो स्मॉल एक्टिव ट्यूबल प्रोजेक्शन होती है उसके ओरल फेस की साइड। ठीक है, देखो क्या होता है स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर है किसका, स्टार फिश का, जो ये है ना ये उसकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है ना, तो क्या होती है कि पार्ट ऑफ वास्कुलर सिस्टम होता है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, फीडिंग में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ओके, और ये जो होती है उसका ऑपरेट करती है हाइड्रोलिक प्रेशर को भी, जो वाटर का जो प्रेशर होता है उसको भी ऑपरेट करती है। ठीक है, थैंक यू क्लास, आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को कीजिए। पिछले वाले जो क्वेश्चंस, अगर आपने नई वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।